विदिशा जिले के पठारी थाने के समीपस्थ आंगनवाड़ी केंद्र में सेक्टर प्रभारी बड़ो और बंदरबड़ा की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय पोषक माह के अंतर्गत इम्प्लीमेंट लर्निंग अप्रोच की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में कुपोषण और मृत्यु से बचने के लिए बीमारियों से बचाव करने के हुनर बताए। बच्चों को कुपोषण बीमारियों और संक्रमण से बचाने के उपाय बताए। कुपोषित बच्चों को पोषित करने के भोज्य श्रृंखला को समझाया। नीति आयोग का पिरामल फाउंडेशन एनजीओ के महेंद्र कुशवाहा ने बताया कि देश में कुपोषण और मृत्यु दर को कम करने के लिए यह प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को निरीक्षण दिया जा रहा है। वहीं सुपरवाइजर सविता दुबे ने बताया कि बेहतर गुणवत्ता युक्त कार्य को करने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। विदिशा से आशीष शेले की रिपोर्ट। इसमें सेक्टर मीटिंग के माध्यम से जो यहाँ पे जैसे होम डिलीवरी हो रहे हैं तो उसके बारे में चर्चा की, तो होम डिलीवरी को कैसे रोका जाए, तो उसके लिए जैसे हम सेक्टर मीटिंग के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जहाँ पे होम डिलीवरी हो रही है तो उन पे जैसे वो वहाँ पे जाकर जैसे गर्भवती अगर महिला है तो उसके घर कम से कम जैसे वो अगर उसका गर्भवती का आठवां महीना है तो कम से कम आखिरी के एक महीने में हर सप्ताह वो उसके घर विजिट करे, तो उसमें हम होम डिलीवरी में कमी लेके आ सकते हैं। आईएलए ट्रेनिंग है, इंक्रीमेंट लर्निंग अप्रोच, जिसमें हम मॉड्यूल 1 से लेकर 21 मॉड्यूल है और उसमें से आज मॉड्यूल 18 का प्रशिक्षण दिया है। इसमें कुपोषण मृत्यु से बचने के लिए बीमारियों से कैसे बचाव करें उसके बारे में बताया है। जैसे कोई प्रसव होता है, प्रसव के बाद 6 महीने तक बच्चे को केवल स्तनपान देना है। स्तनपान के बाद जब हम मूत्री आहार की शुरुआत करते हैं तो उसके साथ साथ बच्चे को उसमें संक्रमण लगने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। ये संक्रमण से बच्चा जब ग्रसित होता है तो किस तरह से कुपोषित होता है और कहाँ हम उसको कुपोषण से दूर बचाने के लिए उसको अतिरिक्त पोषण आहार देकर उसको तंदुरुस्त रख सकते हैं, और अगर हम अतिरिक्त पोषण आहार नहीं देते हैं तो बच्चा फिर और कुपोषित हो जाता है, कुपोषण के कारण फिर बार बार बीमार पड़ता है और उसके कारण वह और अधिक कुपोषित हो जाता है और उसकी मृत्यु की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। तो ये तो कुपोषण का चक्र था, और इस चक्र से बचाव के क्या तरीके हैं, जैसे समय पर टीकाकरण करवाना, बोतल से दूध ना देना, 6 महीने तक केवल स्तनपान करवाना, हाथ साफ सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखना, विटामिन ए उसको समय से देना, इन सब बातों से का उपयोग करके हम बच्चों को कुपोषण से और मृत्यु से बचा सकते हैं। अभियान के तहत जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल दिए गए हैं, इसमें जो रिपोर्टिंग में प्रॉब्लम्स आ रही थी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया गया है इस मीटिंग में। और जो BHND का फॉर्म नहीं भर रही हैं कार्यकर्ताएँ या फिर कोई अदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सब प्रॉब्लम्स आज की मीटिंग में सॉर्ट आउट की गई हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।